बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। आप सबको वेलकम करती हूँ शाज़े के डेली व्लॉग में। आज की रूटीन के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज अपनी प्यारी बहनों के लिए ऐसे हैक्स और किचन टिप्स और आइडियाज़ लेकर हाजिर हूँ जिससे आप लोगों की ज़िंदगी ईजी हो जाएगी और आपकी मनी सेविंग होगी, और आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, अगर कर दिया है तो जज़ाकल्लाह खैर, और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, और मुझे लाइक शेयर ज़रूर किया करें। वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं टिप नंबर वन की तरफ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। हमारे डेली रूटीन में बल्ब का इस्तेमाल होता है, और अगर एक दिन भी बल्ब ख़राब हो जाए तो हमारा बल्ब के बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता, और इतनी महंगाई में हम खर्चा बचाने की ज़रूर कोशिश करते हैं। तो आज मैं ऐसी टिप्स दूँगी जिससे इंशाल्लाह आपका बल्ब दोबारा से जल जाएगा। अगर आपका बल्ब किसी वजह से बंद हो जाता है, जलता नहीं है, तो आपने एक बार मेरे कहने पर इस टिप का ज़रूर इस्तेमाल करना है। आपने एक नया माचिस लेना है और इस तरह से बल्ब को माचिस पर रगड़ना है। जब अच्छी तरह से रगड़ेंगे तो इंशाल्लाह इस तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो दूर हो जाएगी और आपका बल्ब जलने लगेगा। प्यारे बहनों, एक बार बल्ब खरीदने से पहले मेरी इस टिप का इस्तेमाल ज़रूर करना ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, आपका घंटों का काम मिनटों में हो, और आप लोगों के पैसे की बचत हो, और आपकी लाइफ ईजी हो जाए। तो इंशाल्लाह इस टिप के इस्तेमाल से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मेरी बहनों से गुजारिश है, इस तरह के ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स अपने दोस्तों, बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि आप लोगों को इस महंगाई में पैसे बचाने का मौका मिल सके और आप अपने घर पर यूज़ कर सकें ताकि आपकी ज़िंदगी ईजी हो जाए, आपकी मुश्किलें आसान हो जाएँ। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है, मैं इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आऊँ जिसमें आप लोगों की मनी सेविंग हो और आप लोगों का घंटों का काम मिनटों में हो जाए और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले। इस तरह से आप एक हुनरमंद खातून कहलाएँ। चलते हैं टिप नंबर टू की तरफ। ये भी हमारी बल्ब से रिलेटेड है। अगर हमारे घरों में बल्ब लगे हुए मैले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो इस वजह से हमें रोशनी बहुत कम महसूस होती है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, अंधेरा। अगर आप इस परेशानी से बचना चाहते हैं तो आपके पास नेल पेंट साफ करने वाला थिनर होता होगा। आपने थिनर को थोड़े से कॉटन पर लगाकर बल्ब को साफ करना है। आपके बल्ब बिल्कुल शाइनी और चमकदार हो जाएंगे, मैल कुचल सब साफ हो जाएगा। इस टिप को इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद इसका रिजल्ट वाजिब हो जाएगा। इंशाल्लाह इस टिप के इस्तेमाल से आइंदा आपके घर के बल्ब बिल्कुल भी मैले नहीं होंगे। हर वक्त आप लोग इसी टिप को इस्तेमाल करेंगे और आपके बल्ब बिल्कुल शाइनी चमकदार हो जाएंगे, घर में इतनी ज़्यादा रोशनी हो जाएगी। इंशाल्लाह मेरी बहनों को ये टिप पसंद आएगी और आप लोग इसे इस्तेमाल भी करेंगे, और मुझे प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपके बल्ब बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे और घर में हर वक्त जगमग जगमग रोशनी होने लगेगी। तो इस मामूली सी टिप से ना ही आप लोगों का खर्चा हुआ है, ना ही वक्त ज़ाया हुआ है। ये टिप बहुत ज़्यादा सिंपल है लेकिन आप लोगों के घर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो मुझे लाइक शेयर ज़रूर किया करें और मुझे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। चलते हैं टिप नंबर थ्री की तरफ। अक्सर बच्चे नील पेंट के निशान लगा देते हैं जिसे साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप लोग इस टिप के बारे में नहीं जानते वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आप इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स से अपने घर में जितने भी नील पेंट के निशान हैं वो साफ़ कर सकें। तो इसके लिए दो तरह की टिप्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो नील पेंट साफ़ करने वाले थिनर का इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा आपके पास परफ्यूम वगैरह हो तो उसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इन दोनों के इस्तेमाल से झट से ये दाग धब्बे साफ़ हो जाएंगे। ये टिप सिंपल ज़रूर है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब कहीं पर भी नील पेंट के दाग लगे हों तो आप लोग बहुत ईजी से साफ़ कर सकते हैं। आप इन टिप्स को बिल्कुल भी छोटी और मामूली समझने की गलती ना किया करें, इसलिए कि बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए। अगर हमारे कपड़ों पर दाग धब्बे लग जाते हैं या हमारी किसी चीज़ पर भी नील पेंट के निशान लग जाते हैं तो आप झट से इनको साफ़ कर सकते हैं। इन्हीं दोनों टिप्स के इस्तेमाल से थिनर और परफ्यूम तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मिनटों सेकंडों में अपनी मुश्किल को हल कर सकते हैं। आपने अगर अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, और देखते ही देखते मैंने देखें नील पेंट के सब दाग साफ़ कर दिए हैं। तो आप लोग भी अपने डेली रूटीन में इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करें ताकि आप लोगों की बचत हो और आपका वक्त भी ज़ाया ना हो और आपकी हर चीज़ साफ़ सुथरी और डिसिप्लिन के साथ घर में मौजूद हो। प्यारी बहनों, इसलिए कहती हूँ कि मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, वक्त ज़ाया ना किया करें, ताकि इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स से अपनी लाइफ को ईजी बना सकें, मनी सेविंग कर सकें, और आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को प्यार दें। चलते हैं टिप नंबर फोर की तरफ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और आप लोगों ने कभी डबल टेप का इस तरह इस्तेमाल नहीं किया होगा। ये
टिप मेरे बच्चों ने मेरे लिए तैयार की है और मुझे आइडिया दिया है, और ये आइडिया बहुत ही परफेक्ट है। आप लोग जब इस्तेमाल करेंगे आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप झट से अपने बाल रिमूव कर सकते हैं। अगर आप बहुत जल्दी में हैं, आपके पास कोई भी हल नहीं है, तब आप डबल टेप का इस्तेमाल करें। डबल टेप ओरिजिनल और अच्छी वाली होनी चाहिए, लोकल डबल टेप से ये काम नहीं होगा। तो हमारे पास बहुत ही अच्छे वाली डबल टेप थी, यहाँ पर मेरे बच्चों ने इस्तेमाल की है, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको स्किन के ऊपर भी बाल साफ नज़र आएंगे और टेप के ऊपर भी बाल लगे हुए हैं। जिस तरह आप लोग वैक्स करते हैं उसमें इतनी ज़्यादा पेन होती है, उसकी निस्बत डबल टेप से बिल्कुल भी पेन नहीं होती। अगर आपने अपनी चिन साफ़ करनी हो, अपने अपर लिप साफ़ करने हो, अपने फोरहेड साफ़ करना हो, तो इसको मिनटों सेकेंटों में यूज़ करें और अपने हर जगह के बाल रिमूव करें। आप यहाँ पर अच्छी तरह देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बाल साफ़ हुए, स्किन भी साफ़ हो चुकी है और आपको डबल टेप पर भी बाल नज़र आ रहे होंगे। और आज के बाद मेरी बहनों को अब फजूल खर्ची करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने घर पर ही अपर लिप्स, फोरहेड और चिन वगैरह का छोटे मोटे काम तो घर ही कर सकते हैं। इस तरह आपके पैसों की बचत होगी और वक्त की बचत होगी, आप अपने घर पर मिनटों में ये काम कर लेंगे। आप देख सकते हैं डबल टेप से हमने टिप्स एंड ट्रिक्स दी है आपको, कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप अपने हज़ारों रुपए बचा सकेंगे। अब आपको वैक्स करने की ज़रूरत नहीं, ना ही पोलर जाने की ज़रूरत है। जैसे कि डबल टेप है तो फ़ायदा भी डबल ही होगा, दोनों साइड से आप बालों को रिमूव कर लेंगे। इस तरह की ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद से अपर लिप्स बना सकते हैं, फोरहेड बना सकते हैं, चिन साफ़ कर सकते हैं, जितने भी हमारे काम हैं हम इस डबल टेप से कर सकते हैं और इसको दोनों साइडों से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारे बाल रिमूव हो गए हैं, बहुत ही साफ़ नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह से आप झट से खुद से काम करें और इंशाल्लाह हज़ारों रुपए बचाएं। अब पार्लर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई महंगी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही वैक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही थ्रेडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये टिप पसंद आएगी और आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट किया करें, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बायो में मेरा लिंक पड़ा, वहाँ जाएँ, मुझे सपोर्ट करें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाएँ, वक्त बचाएँ और अपने घर वालों की हेल्प करें। और मुझे दुआओं में याद रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अब कल फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफिज़।